अब हम आते हैं तुलसी पूजा कैसे करनी है। तो तुलसी पूजा के लिए आपको कुछ पैराफर्नेलिया की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो लिख लीजिए क्या क्या आवश्यकता है। तो आपके पास एक बड़ा थाल होना चाहिए जिसमें सारा पैराफर्नेलिया आप रखें। उसमें घी का दीपक हो, अगरबत्तियाँ हों, एक छोटा कटोरी हो या प्लेट हो जिसमें पुष्प रखे हों, एक आचमन पात्र होना चाहिए, एक छोटी घंटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आचमन करना है अपना। आचमन क्या होता है? ये शुद्धिकरण का मार्ग होता है, शुद्धिकरण का तरीका होता है। हमारी चेतना बड़ी दूषित होती है, हमारे हाथ पैर भी बड़े दूषित होते हैं, तो हम भगवान की एक दिव्य पार्षद की सेवा करने जा रहे हैं, तो अपने आप को पहले शुद्ध करना है, तो उसको आचमन से हम शुद्ध कर सकते हैं। तो आचमन पात्र, जैसे यहाँ पढ़ा है आचमन पात्र, तो आचमन की विधि आप सबको आती होगी, नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को प्रक्षालन कर लीजिए और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आप जल डालिए और मंत्र बोलिए ओम केशवाय नमः और पी जाइए उसको। फिर दोबारा डालिए ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः और फिर राइट हैंड को धोके डाल लीजिए ओम गोविंदाय नमः और ओम कृष्णवे नमः, लेफ्ट हैंड वॉश कर लीजिए। तो इस प्रकार ये पांच मंत्र बोलकर आप आचमन कर सकते हैं। सो नाउ यू आर प्योरिफाइड। फिर एक और आचमन पात्र होना चाहिए जिससे बाकी पैराफर्नेलिया आप शुद्ध कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जल आप जो घी का दीपक है उस पर डाल सकते हैं, एंडिंग पार्ट है अगरबत्ती के एंड पार्ट पे डाल सकते हैं, पुष्पों पे डाल सकते हैं, जो थाली है उस पर डाल सकते हैं, जो घंटी है उस पर डाल सकते हैं। तो आप सारे पैराफर्नेलिया को भी शुद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुलसी महारानी को अगरबत्ती ऑफर करी जाती है। तो अगरबत्ती आप लेंगे तो 7 बार तुलसी महारानी को दिखाना होता है, 7 times। तो हाथ में घंटी है और 7 बार आप अगरबत्ती को ऑफर कर रहे हैं और साथ साथ बोल सकते हैं एष धूपम शिविंदाय तुलसी देव्याय नमः। तो धूप ऑफर कर रहे हैं आप, अगरबत्ती ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद दीपक ऑफर किया जाता है। तो दीपक ऑफर करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले 4 बार तुलसी महारानी की जड़ पे वो दीपक ऑफर होता है, चरण कमल में, और 2 बार नाभि कमल में जो बीच का पार्ट है, 3 बार मुख कमल में जो ऊपर का पार्ट है, और फिर 7 बार सर्वांग इनकम्प्लीट तुलसी महारानी को दीपक ऑफर होता है। सो 4, 2, 3 and 7, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि कमल में, 3 बार मुख कमल में और 7 बार सर्वांग। और उसके बाद फाइनली हम चरण कमलों में पुष्प ऑफर कर रहे हैं और 1 पुष्प या 2 पुष्प आप उनके चरणों में रख सकते हैं। तो ये पुष्प ऑफर करने की विधि है। तो सबसे पहले जब आप अगरबत्ती ऑफर कर रहे हैं तो एतत् धूपः शिविंदाय तुलसी देवाय नमः, एष दीपम शिविंदाय तुलसी देवाय नमः। जब आप दीपक ऑफर कर रहे हैं तो ये बोल सकते हैं और फिर जब पुष्प ऑफर करें एष गंधा शिविंदाय तुलसी देवाय नमः, एष पुष्पम शिविंदाय तुलसी देवाय नमः। तो अगर आप चंदन है तो चंदन का लेप लगा सकते हैं, गंध बोल सकते हैं और फिर पुष्प है तो पुष्प ऑफर कर सकते हैं। और तुलसी महारानी को फिर प्रणाम करना होता है। प्रणाम का मंत्र आप सब जानते हैं, विंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो। और फिर आप जल ऑफर कर रहे हैं तुलसी महारानी को, तो जल दान मंत्र भी होता है, तो मेरे पीछे दोहराइए ओम गोविंद वल्लभाम देवी भक्त चैतन्य कारणम स्नपायमी जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायनी। तो ओम गोविंद वल्लभाम देवी, आप कौन है? आप गोविंद को आनंद देने वाली हैं, भक्त चैतन्य कारणम, और जो भक्त हैं भगवान के आप उनके जीवन हैं, उनके प्राण हैं, उनकी चेतना है, जगत धात्री पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आपने ये स्वरूप धारण किया है, तो मैं आपको स्नान करा रहा हूं और आप क्या करिए मुझे कृष्ण भक्ति प्रदायनी, आप मुझे कृष्ण भक्ति में लगाइए, कृष्ण सेवा मुझे एंगेज करिए। और साथ साथ हरि भक्ति विलास में स्तुतियां भी बताई गई हैं। तो एक स्तुति बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है ये, महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरि नित्यम
तुलसी त्वाम नमोस्तुते। आप भगवान का प्रसाद हैं, महाप्रसाद जननी, आप प्रसाद देने वाली हैं, जननी हैं, आप माता हैं। एक तो वो प्रसाद भी मिलता है ना तुलसी महारानी की कृपा से ना, जिससे उधर सेटिस्फाइड रहता है, और साथ साथ भगवान का प्रसाद क्या है, भगवान की सेवाएं, तो सेवा देने वाली भी तुलसी महारानी है। तो आप क्या है, महाप्रसाद जननी, आप माता हैं, सेवा की माता हैं, अखंड सौभाग्यवर्धिनी। और जहां पे आप आ जाती हैं तो वहां पे तो अनलिमिटेड फॉर्चून है, अनलिमिटेड ऑस्पिशियसनेस है, अखंड सौभाग्य, और उसका वर्धन करती रहती हैं आप। आदि व्याधि हरि नित्यम, और सारी आदि व्याधियों से, सारे कष्टों से, सारे रोगों से आप दूर कर देती हैं। तुलसी त्वाम नमोस्तुते, ऐसी तुलसी महारानी को हम प्रणाम करते हैं। और फिर फाइनली क्या करना है, तुलसी महारानी की परिक्रमा, यानी कानी च पापानी ब्रह्मत्यादिकानी च तानी तानी प्रणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तीन बार हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जब कर रहे हैं तो साथ साथ आप तुलसी आरती भी कर सकते हैं, जो हर इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन करी जाती है। तो एक बार अभी गाते हैं हम लोग, और यहाँ साथ साथ कोई ऑफर कर सकता है तुलसी ऑफरिंग, तो यहाँ तुलसी ऑफरिंग चलती रहेगी और तुलसी आरती हम गाते रहेंगे। एनी वॉलंटियर उस कॉन्फिडेंट तुलसी आरती करने में, आइए तुलसी माता जी, तुलसी माता जी, तुलसी माता जी की आराधना करेंगी। एक आचमन पात्र से आप पहले अपना आचमन कर लीजिए। एक काम और करने से पहले, यू हैव टू जस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर डूइंग आचमन। ओके, तो पहला ओम केशवाय नमः, ओम ओम माधवाय नमः, अब हस्त प्रक्षालन, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। सो नाउ यू आर प्योरिफाइड, अब पैराफर्नेली को प्योरिफाई कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले धूप ऑफर करना है। ओके, सो सेवन टाइम्स अगरबत्ती और फिर दीपक, 4, 2, 3, 7 और फाइनली पुष्प, 4 बार चरणों में। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयासी, नमो नमः ब्रज राधा कृष्ण सेवा पाबो, हे अभिलाषी जे तुमार शरण लो, तारा वंश पूर्ण हो, कृपा करि करो तारे वृंदावन वासी, मोर अभिला विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे को जन मोर हो, श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जिन भासी, यानी कानी चापापानी ब्रह्मात्यादिकानी च तानी तानी प्रणशन्ति प्रदक्षिणा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो
रामो रामो हरे हरे, जय तुलसी महारानी जय वृंद देवी, तुलसी महारानी जय वृंद देवी, जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमः, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो, श्रीमती तुलसी महारानी की, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार तुलसी महारानी की स्तुति कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, तुलसी चयन कर सकते हैं।